अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तनवीर अहमद। इस वक्त हम जिस जगह आए हैं ये वजीराबाद बाईपास है और खास तौर पे आपको मैं यहाँ पे जो खाने पीने के तीन रेस्टोरेंट है और तीनों हम नाम है शिनवारी है, स्पिनकरा का मतलब क्या है, यहाँ पे बारबेक्यू है और ये जिस तरह सजी हुई तैयार हो रही है आप फुटेज में देख रहे हैं। तो भाई साहब से पूछते हैं कि भाई साहब ये बताए स्पिनकरा का क्या मतलब है? स्पिनकर यानी सफेद पहाड़, एक जगह का नाम है उधर का, खेती का एक जगह उधर का नाम है। तो ये तीनों एक जैसे नाम के रेस्टोरेंट है? ये स्पिनकर है भाई। अच्छा, ये सर घर और घर का मतलब तो सोना आ गया ना। अच्छा, घर का मतलब एक पहाड़ है, सफेद पहाड़। अच्छा, इस तरह का नाम है। ये सारे लोग उसी इलाके से बिलोंग करते हैं? ये यहाँ पर जो है कुछ लोग वहाँ से, कुछ खेती से, कुछ यहाँ से। अच्छा, जिस तरह ये मेरे कैमरा मैन अगर अंदर आएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के खाने तैयार हो रहे हैं। अच्छा जी, जरा आप तकलीफ करेंगे, ये क्या चीज है, आप इसको क्या कहेंगे? ये मटन टिक्का सर, मटन टिक्का है। हाँ, ये चांद है, चांद है। अच्छा, मटन टिक्का स्पेशली ये चांद में तैयार हो रहा है, चाप और फोट। ठीक है, और ये पतीले में क्या तैयार हो रहा है? ये दम बंद सर, दम बंद। हाँ जी। अच्छा अच्छा जी, ये आप जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पे चटनी कबाब तैयार हो रही है, मटन का या बीफ का, किस चीज का है? बीफ का। तो इसकी आपकी खूबसूरत क्या है, इसकी खास चीज जो मुनफरद हो? हाँ जी, हाँ जी, बताएं इसकी क्या खास बात है आपको? ये हमारे जो शिनवारी के कबाब है ये मशहूर है, मशहूर है कबाब है। अच्छा अच्छा जी, ये नहीं, ये घी में तैयार हो रहा है, चर्बी में किस में हो रहा है? ये घी में तैयार हो रहा है। कुछ लोग तो चर्बी का ज्यादा पसंद करते हैं जी, यहाँ पे कुछ लोग नहीं करते इसलिए। ये चर्बी में कोई खास जायका है जी? चर्बी का ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ, वो अच्छे होते हैं, लेकिन जो चर्बी मैदानी इलाकों में रहने वाले वो तो चर्बी अदर नहीं खा रहे थे। नहीं, वो पिशावर में अक्सर चर्बी के बनाते हैं, उधर सारा चर्बी यूज करते हैं। इधर कुछ लोग है ना वो बोलते थे चर्बी में सही नहीं होते, तो इसलिए हम घी में तैयार करते हैं। देखिए, अभी हमारा ये कबाब तैयार हो रहे हैं और खाने के बाद आपको बताएंगे। अच्छा जी, ये वो एरिया जिधर गोश्त तैयार होता है और यहाँ पे मटन का, ये मटन मुझे नजर आ रहा है, तो सफाई का इंतजाम भी आप देख रहे हैं, शीशा है चारों तरफ, शीशे से इसको कवर किया हुआ है और जो भी ऑर्डर मिलेगा उसके मुताबिक ये इसको तैयार करेंगे। और ये इनका किचन है और आप जिस तरह देख रहे हो तो किचन में भी इस वक्त खाने का तो इतना रश नहीं है, तिरंगे तैयार हो रही हैं जी। अब हॉल की तरफ अंदर दाखिल होते हैं, इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि किचन में जाया जाए। किचन में जिस तरह कढ़ाइयाँ तैयार हो रही है वो आपको कढ़ाइयाँ भी दिखाते हैं और फिर हॉल में शिनवारी का एक, हर शिनवारी का एक खास टिपिकल अंदाज होता है, तख्ते लगे हुए, तकिए लगे हुए, वो हॉल भी आपको दिखाएंगे। और इससे पहले आपको किचन की तरफ लेके चलते हैं। मटेरियल है चपली कबाब का और इसमें टमाटर, सब मिर्च और ये कीमा, इसको खास इनका अपना एक फार्मूला है जो ये यकीन हमें तो नहीं बताएंगे, इसलिए इनकी इंफरादियत है, तो जो बाकी से इनको मुनफरद करता है, बड़ा टेस्टी होगा इनके। अच्छा, ये खाना इस तरह का होता है कि इसके लिए ग्रिल की, हाजमे के लिए इनका जरूरी होती है, खाने के बाद में हजम करना होता है। तो ये ग्रीन टी कहवा भी हम इसको बोलते हैं, तो इनकी भी ये कोई खास कहवा आपका कोई खास है इसमें? नहीं, ये गांव तो आप लोग पिशावरी कहवा करते हैं ना। अच्छा, तो ये तो पिशावर में इम्पोर्ट करते थे ना, बाहर से ये इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन ये पंजाब में मशहूर है पिशावरी कहवा। अच्छा, ये वैसे इम्पोर्ट करते ब्राजील से, वियतनाम, कीनिया से। ठीक है।